नमस्कार। पिछले टाइम पर हमने डेटा ट्रांसफ़र और अरिथमेटिक इंस्ट्रक्शंस के बारे में अध्ययन किया था। आज हम उसके आगे की इंस्ट्रक्शन ग्रुप्स को देखेंगे। लॉजिकल इंस्ट्रक्शंस, ये इस इंस्ट्रक्शन के अंतर्गत एंड और एक्सोर कंपेयर रोटेट और कॉम्प्लीमेंट इंस्ट्रक्शंस आती हैं। इन्हीं दो डेटा को लॉजिकली एंड करना हो तो एंड इंस्ट्रक्शंस आती है, अगर उन्हें और करना हो तो हम ओआर इंस्ट्रक्शन काम में लेते हैं, एक्सोर करना हो इसी तरह कंपेयर रोटेट और कॉम्प्लीमेंट हम कर सकते हैं। ये एग्जांपल्स हैं, लॉजिकली एंड और या एक्सोर करना है तो उसके लिए ज़रूरी है कि एक डेटा अकुमुलेटर में होना चाहिए। ये पहले इंस्ट्रक्शंस ANAR अकुमुलेटर के डेटा को रजिस्टर के डेटा के साथ लॉजिकली एंड करती है और रिजल्ट अकुमुलेटर में ही रहता है। इसी तरह ANAM मेमोरी के डेटा को अकुमुलेटर के डेटा के साथ लॉजिकली एंड करती है। किसी डेटा को डायरेक्ट अकुमुलेटर के डेटा के साथ लॉजिकली एंड करना हो तो इंस्ट्रक्शन है ANI 47। यदि डेटा 47 डेटा को अकुमुलेटर के डेटा के साथ लॉजिकली एंड करेगी। ORAR लॉजिकली और करना, अगर रजिस्टर के डेटा को अकुमुलेटर के साथ तो इंस्ट्रक्शन करती है। इसी तरह मेमोरी के डेटा को लॉजिकली और किया जा सकता है। किसी डेटा को डायरेक्ट अकुमुलेटर के साथ लॉजिकली और करना है तो इंस्ट्रक्शन ORI काम में आती है। इन सभी के रिजल्ट्स अकुमुलेटर में ही रहते हैं। XRAR, अगर एक्स और ऑपरेशन परफॉर्म करना है रजिस्टर के कंटेंट्स के साथ तो इंस्ट्रक्शन है SRAR। इसी तरह मेमोरी के साथ करना है तो XRAM, और किसी डेटा को डायरेक्ट करना है तो XRI 37H। डेटा 37H डेटा अकुमुलेटर के डेटा के साथ XOR हो जाएगा। नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन जैसे RLC, ये इंस्ट्रक्शंस कहती है कि अकुमुलेटर के कंटेंट्स को रोटेट द कंटेंट्स ऑफ अकुमुलेटर लेफ्ट। तो जैसे ये डायग्राम बता गए, ये 8-bit अकुमुलेटर है, इसके डेटा एक एक बिट से आगे की तरफ शिफ्ट होते जाएंगे। D0 के डेटा D1 में, D1 के D2 में, इसी तरह D7 के डेटा वापस घूम के D0 में आ जाते हैं, और साथ ही ये डेटा कैरी फ्लैग में भी जाते हैं। दूसरा इंस्ट्रक्शन है RAL, रोटेट अकुमुलेटर लेफ्ट थ्रू कैरी। इसमें भी वही डेटा एक एक बिट से लेफ्ट की तरफ शिफ्ट होते हैं, लेकिन इसमें जो लास्ट D7 डेटा है वो कैरी फ्लैग में जाता है और कैरी फ्लैग का डेटा D0 में आता है, तो रोटेट लेफ्ट थ्रू कैरी है। अगले इंस्ट्रक्शन है RRC, रोटेट अकुमुलेटर राइट। इसमें हर बिट एक पोजीशन से राइट की तरफ शिफ्ट होती है और लास्ट में जो LSB बिट है D0, इसके डेटा वापस D7 बिट में आते हैं और साथ ही कैरी फ्लैग में भी जाते हैं। इसी तरह इंस्ट्रक्शन है RAR, रोटेट अकुमुलेटर राइट थ्रू कैरी। इसमें D0 बिट के डेटा कैरी में जाएंगे कैरी फ्लैग में, और कैरी फ्लैग का डेटा D7 बिट में आएगा। इसी तरह नेक्स्ट इंस्ट्रक्शंस कंपेयर्स के बारे में है। रजिस्टर मेमोरी या किसी डेटा को हम अकुमुलेटर के डेटा के साथ कंपेयर कर सकते हैं। कंपेरिजन ग्रेटर देन, स्मॉलर देन और लेस देन के लिए किया जाता है। अगर अकुमुलेटर के डेटा रजिस्टर मेमोरी या किसी डेटा से स्मॉलर है तो कैरी फ्लैग सेट होता है, अगर अकुमुलेटर के डेटा उनके बराबर हैं तो 0 फ्लैग सेट होता है, और अगर अकुमुलेटर के डेटा इनसे ज़्यादा किसी भी रजिस्टर मेमोरी या डेटा से ज़्यादा हैं, बड़े हैं, तो कैरी और 0 फ्लैग रिसेट हो जाता है। तो इन फ्लैग्स की कंडीशन से हम दो डेटा को आपस में कंपेयर कर सकते हैं। इसी तरह लास्ट इंस्ट्रक्शन है CMA, कॉम्प्लीमेंट अकुमुलेटर। ये इंस्ट्रक्शंस अकुमुलेटर के कंटेंट्स को वंस कॉम्प्लीमेंट में बदल देती है। नेक्स्ट इंस्ट्रक्शंस है ब्रांचिंग इंस्ट्रक्शंस। ब्रांचिंग इंस्ट्रक्शंस दो तरह से काम करती है, चेंज द प्रोग्राम सीक्वेंस
unconditionally or change the program sequence if specified data conditions are met. यानी unconditional और conditional group में ये divide होती है. जैसे examples है JMP 2051H, तो jump to memory address 2051H, ये एक unconditional jump है. ये जब instruction execute होती है तो आपका वर्तमान प्रोग्राम एग्जीक्यूशन इस नई लोकेशंस पर शिफ्ट हो जाता है. इसी तरह कॉल इंस्ट्रक्शंस है 2070H, तो ये इंस्ट्रक्शन जब आती है तो प्रोग्राम एग्जीक्यूशन 2070 पे चले जाता है, जो नॉर्मली सब रूटीन को कॉल करने के लिए काम में आता है. रिटर्न इंस्ट्रक्शन ऐसे ही सब रूटीन से वापस मेन प्रोग्राम में आने के लिए काम में ली जाती है. जो कंडीशनल जंप इंस्ट्रक्शन है उनके एग्जाम्पल है जंप ऑन जीरो. अगर रिजल्ट जीरो आ जाता है तो आपको 25-12 मेमोरी लोकेशन पे जंप कर जाना है. इसी तरह जंप ऑन नो जीरो, अगर जब ये इंस्ट्रक्शन बताती है कि जीरो नहीं आता तो इस लोकेशन पे जाना है. इसी तरह जंप ऑन कैरी और जंप ऑन नो कैरी इंस्ट्रक्शंस हैं. लास्ट इंस्ट्रक्शंस ग्रुप है मशीन कंट्रोल इंस्ट्रक्शंस. ये प्रोग्राम के अंत में या डिले प्रोवाइड करने के लिए काम में आती है, जैसे स्टॉप प्रोसेसिंग एंड वेट और डू नॉट परफॉर्म एनी ऑपरेशन. तो प्रोग्राम के ख़त्म हो जाने के बाद हम जो इंस्ट्रक्शन काम में लेते हैं वो HLT होल्ट इंस्ट्रक्शन है. इसके बाद फर्दर प्रोसेसिंग रुक जाती है. इसी तरह इंस्ट्रक्शन है NOP डू नॉट परफॉर्म एनी ऑपरेशन, इसमें हम डिले या वेट स्टेट डालते हैं. इसी के साथ हमारा क्लासिफिकेशन ऑफ इंस्ट्रक्शन ख़त्म होता है. धन्यवाद.